एक आदमी ऑनलाइन शादी करने के लिए रशिया से एक ब्राइड मंगवाता है। उस लड़की को उसकी लैंग्वेज भी आती नहीं थी। प्रॉब्लम तब आई जब बर्थडे पर उसके फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आते हैं। एक ट्विस्ट के साथ ये मूवी आगे बढ़ती है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बर्थडे गर्ल 2001 की एक थ्रिलर रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉन को देख सकते हैं जो ऑनलाइन अपने लिए ब्राइड ढूंढ रहा था। वो बैंक में क्लार्क का काम करता है पर जिस टाउन में वो रहता है ये बहुत ही छोटा सा टाउन है, तो किसी भी लड़की से मिलना उसके लिए डिफिकल्ट था। उसने अपना सारा होप खो दिया था तो ऑनलाइन ही अपने लिए एक ब्राइड मंगवा लेता है। एयरपोर्ट पर आने के बाद अपनी ब्राइड नादिया से वो मिला। ये स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बात नहीं करते। कार में जान उसे अलग अलग चीज़ें बताने की कोशिश करता है। उसने कहा कि मेरा टाउन सिटी से 40 किलोमीटर्स पर है, आई होप कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें वो बोल रहा था पर नादिया हर एक चीज़ को सिर्फ यस बोल रही थी। इसके बाद जॉन ने पूछा, क्या तुम जिराफ हो? सोफिया कहती कि यस। जिस तरीके से ऑनलाइन साइट पर दिया गया था कि नादिया को इंग्लिश आती है पर वैसा कुछ भी नहीं था। अचानक से नादिया को उल्टी आ जाती है। घर आने के बाद जॉन वेबसाइट के लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है कि उसने जो ऑर्डर किया था वो उसे नहीं मिला, पर वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। नादिया को इंग्लिश नहीं आती है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके साथ नहीं रह सकता। अगले दिन जॉन ब्रेकफास्ट बना रहा था, नादिया आई और वो उसे हेल्प करती है। ब्रेकफास्ट पर नादिया ने जॉन को रिंग दी। ये रिंग इनकी रिलेशनशिप को स्टार्ट करेगी। जॉन इसके लिए मना कर रहा था पर नादिया उसे ज़बरदस्ती रिंग पहना देती है। इसके बाद इन्होंने एक साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। नादिया को जॉन ने कुछ और रूम दिया था पर रात में उसके रूम में वो आ जाती है। वो उसके पास आके जॉन उसे मना करता है पर नादिया ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जॉन ने वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की थी पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वो नादिया के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहता था तो उसकी बैग उसने चेक की। नादिया की इसमें कुछ बचपन की फ़ोटोज़ थी, उसके बायनाकुलर्स भी थे। नादिया उसे चेक करता देख लेती है तो उसने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ रहा हूँ। अपनी रिंग निकाल कर उसे दे रहा था पर नादिया बात एक्सेप्ट नहीं करती, ज़बरदस्ती फिर से उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जॉन बैंक का एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था, हर कोई उस पर ट्रस्ट करता था। सोफिया भी उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी तो जब वो काम पर था तो उसका क्लॉजेट वो चेक कर दिया। उसे जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ मिली, इसी के साथ न्यूड मैगजीन्स और पॉर्न का कलेक्शन भी मिला। काम से आते वक्त जॉन नादिया के लिए एक डिक्शनरी लेकर आया था जिससे वो इंग्लिश सीख पाए। नादिया को जो भी उसकी मैगजीन्स मिली थी उसने जॉन को दिखाई, इससे वो एम्बेरस्ड हो गया। जिस तरीके की वीडियोस जॉन देखता है सोफिया भी उसी तरीके से उसके लिए रेडी हो गई। जॉन को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद उसने नादिया को एक्सेप्ट कर लिया था, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लग गए थे। नादिया उसके लिए एक स्वेटर भी सिलती है। स्लोली स्लोली डिक्शनरी से वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जॉन काम से वापस आया तो सोफिया कहती कि आज मेरा बर्थडे है। जॉन भी इसके लिए एक्साइटेड हो गया, उसके लिए केक वगैरह बनवाता है। इसे अकेले सेलिब्रेट कर पाते इससे पहले सोफिया के कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए। सोफिया भी उन्हें देखकर बहुत खुश थी। जॉन समझ नहीं पाता कि दोनों अचानक से यहाँ पर आए कैसे। इसमें से एक का नाम था यूरी और दूसरे का नाम था एलेक्सी। यूरी ने कहा कि हम सोफिया के फ्रेंड्स हैं। इंग्लैंड में आने के बाद एलेक्सी उसे मिला था तो उसका फ्रेंड बन गया। आज सोफिया के बर्थडे के लिए उसके पास आ गया। जॉन और सोफिया एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ये जब बात यूरी को पता चली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वो जॉन से पूछता है, क्या तुम नादिया से कुछ पूछना चाहते हो? फिर जॉन ने पूछा, क्या तुम्हें इंग्लैंड अच्छा लग रहा है? नादिया हाँ कहती है। नादिया ने कहा कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हें दूर से देखा था। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर ने मुझे एक दूरबीन दी थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं तुम्हें देख लूँ, अगर तुम सही आदमी नहीं लगे तो मैं वहीं से वापस जा सकती हूँ। मतलब जॉन को देखकर उसे अच्छा लगा था। इसके बाद आज रात सब ने मिलकर एंजॉय किया। नादिया के लिए जॉन भी अब रशियन सीखने की कोशिश कर रहा था। एक दिन नादिया और उसके फ्रेंड्स मिलकर एक जगह पर पिकनिक के लिए गए। काम से आने के बाद जॉन भी उन्हें ज्वाइन करता है। पास के लेक में सब स्विमिंग कर रहे थे। कौन अपनी ब्रेथ सबसे ज़्यादा रोक सकता है ये गेम वो खेलने लग गए। सोफिया और एलेक्सी में कॉम्पिटिशन हुआ। सोफिया जीत गई तो एलेक्सी को ज़रा बुरा लगता है और उसे मजाक मजाक में पानी के नीचे डाल देता है। सोफिया को सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई तो इस बात पर वो गुस्सा हो गई। जॉन ने भी देखा और उसे अच्छा नहीं लगा। रात में आकर वो यूरी और एलेक्सी को बता देता है कि आप लोग अब हमारे साथ नहीं रह सकते। सुबह होने के बाद जब जॉन नीचे आया तो यूरी और सोफिया के हाथ बंधे हुए थे। एलेक्सी के हाथ में चाकू था, उसने जॉन को भी धमकाया। उसने कहा कि जो भी मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी,
वरना मैं नादिया को मार डालूंगा। एलेक्सी को पता था कि जॉन बैंक में काम करता है, तो कहा कि जाकर सारे पैसे वहां से निकाल कर लाओ। जॉन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं, वो अपने गिटार का केस लेता है और वैसे ही बैंक में आया। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि हमारे लिए एक सॉन्ग बजा, पर जॉन कहता है कि बाद में बजाता हूँ। उसके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग जब बिजी थे तो तिजोरी से उसने सब पैसे निकाल लिए। उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था, पर जॉन वहां से भाग जाता है। सब लोगों के साथ वो भी टाउन से निकल गया। तब हम देखते हैं सोफिया और एलेक्स ये दोनों कपल हैं। ये सारे मिलकर जॉन को बेवकूफ बना रहे थे। एक होटल में रुके जहां पर जॉन को बांध देते हैं। इतने सारे पैसे देखकर बहुत ही खुश था, पर नादिया इतनी खुश दिख नहीं रही थी। एलेक्स पूछता है तुम्हें उसके साथ कितने बार इंटीमेट होना पड़ा। नादिया उस पर कुछ भी नहीं बोलती। एक्चुअली उसका नाम नादिया भी नहीं है, उसका नाम सोफिया है। जॉन के पास यूरी आता है। उसने कहा तुम बाकी लोगों से बहुत अच्छे हो, तुम्हें इस बात के लिए ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने और भी लोगों को इसी तरीके से फंसाया हुआ था, तो सारे लोगों की फोटोज उसे दिखाता है। नेक्स्ट सीन में सोफिया एलेक्सी से कहती है अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें ये सब करना बंद कर देना चाहिए। ये दोनों इंटीमेट होने लग गए, तभी सोफिया ने एलेक्सी को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये एलेक्सी का ही बेबी था, क्योंकि मूवी के फर्स्ट में जब वो जॉन से मिली थी तभी रास्ते के साइड में उसने उल्टी की थी, वो तब से प्रेग्नेंट थी। ये सुनने के बाद एलेक्सी जरा डिस्टर्ब हो गया और वहां से वो चला जाता है। अगली सुबह जॉन ने रोब्स में से निकलने की बहुत कोशिश की और फाइनली वो सक्सीड हो गया। वो दूसरे रूम में देखता है तो सोफिया को भी बांध कर रखा गया था। जॉन उसे फ्री करता है और गुस्से में उसने उसे स्लैप किया, तो सोफिया भी उसे स्लैप कर दिया। ये दोनों थोड़े से फाइट करते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट में आए। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि सोफिया को इंग्लिश बोलना आता है। सोफिया ने कहा कि अगर मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आता तो लोग मेरे प्यार में जल्दी बढ़ते। वो जॉन से यहाँ से निकलने के लिए हेल्प मांग रही थी। जॉन कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा इडियट समझती हो। वो अब उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाला था। कार में सोफिया उसे बता रही थी कि रशिया में हालात बहुत ही खराब है, इसीलिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। जॉन ने कहा कि मुझे तुम्हारी सैड स्टोरी मत सुनो, मैं फिर से तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया, पर सोफिया की तबीयत जरा खराब थी, वो फिर से उल्टी करती है। जॉन ने रियलाइज किया कि सोफिया प्रेग्नेंट है और सोफिया भी बात कन्फर्म करती है। जॉन फिर उस पर तरस खाकर अपना माइंड चेंज कर लेता है। यहाँ से निकलने के लिए सोफिया को हेल्प करने वाला था। वो अब भी उस पर गुस्सा है तो पूछता है क्या बचपन में तुमने सोचा था किस तरीके से लोगों को तुम फंसाओगी। सोफिया भी उसे कहती है क्या तुमने बचपन में सोचा था कि घटिया जॉब करोगे और जब तुम्हें कोई भी मिलेगा नहीं तो ऑनलाइन मैरिज के लिए एक लड़की ऑर्डर करोगे। इस बात से जॉन अपसेट हो गया और एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। गाड़िया के ग्लोव बॉक्स में सोफिया ने देखा तो जॉन ने उसके लिए एक लेटर लिखा था। इस लेटर में लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में तुम ही एक लड़की हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। जॉन सोफिया से प्यार करने लग गया था। अब रात होने लग गई थी और एयरपोर्ट जरा दूर था, तो जंगल में आग लगाते हैं। सोफिया ने पूछा कि तुम्हारे कबर्ड में एक लड़की की फोटो थी, वो कौन है, उसका क्या हुआ। जॉन कहता है कि वो मर गई है, पर बाद में उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी लास्ट रिलेशनशिप इतनी बुरी थी कि वो चाहता था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मर जाए। सुबह जॉन ने सोफिया को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। अपनी दूरबीन सोफिया उसे एज अ गिफ्ट दे देती है। वो एयरपोर्ट के बाहर आकर लास्ट टाइम सोफिया को देखना चाहता था, तो दूरबीन से उसने देखा तो एलेक्स उसके पास बैठा था। उसे जबरदस्ती फिर से होटल में लेकर जा रहा था। जॉन उन्हें पकड़ पाए, इससे पहले वो कार में बैठ गए थे, तो जॉन भी भागते भागते उनका पीछा करता है। सब लोग एयरपोर्ट के पास के होटल में थे। जॉन ने पीछे से जाकर उनका रूम ढूंढ लिया। एलेक्स सोफिया को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर इनमें झगड़ा स्टार्ट हो गया। एलेक्स उसे मार रहा था तभी जॉन एक फेक गन निकाल कर रूम में आ जाता है। एलेक्स समझ गया कि गन नहीं तो एक लाइटर है। वो जॉन को भी बहुत मारता है। उसने सोफिया से कहा कि मुझे लगा ही था तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर में जॉन को जब होश आया तो एक बड़ी सी गिटार लेकर वो डायरेक्टली एलेक्सी के सर में डाल देता है। उन्होंने फिर एलेक्सी को बांध दिया था। एलेक्सी को होश आने के बाद उन्हें कहता है कि कोर्ट में सारे पैसे पड़े हुए हैं, मेरा शेयर मुझे दे दो और फिर तुम लोग जा सकते हो। पर ये सारे पैसे लेकर चले गए। जाते वक्त सोफिया जॉन को पैसों का कोट दे रही थी, पर जॉन ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बेबी के लिए काम में आएंगे, अपने पास ही रखो। सोफिया जॉन से पूछती है क्या मेरे साथ तुम रशिया चलोगे। घर से निकलते वक्त वो जॉन का पासपोर्ट भी लेकर आई थी। जॉन ऑलरेडी उससे प्यार करता था और सोफिया को भी अब वो अच्छा लगा था। इन दोनों ने फिर डिसाइड किया और एक साथ ही निकल जाते हैं। जिस तरीके से सोफिया प्रिटेंड करती थी कि उसे इंग्लिश नहीं आती, पर अब एक्चुअल में जॉन को रशियन कुछ भी नहीं आती। सोफिया रशियन में उसे जिराफ बुलाती है, तो जॉन इसके लिए यस कहता है। जिस तरीके से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी उसी तरीके से एक स्वीट मोमेंट पर इसका एंड होता है।
तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।